तो मैडम जी एक बार बताना इनको क्यूटनेस का क्या राज है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो दोस्तों होप कि आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइज आज का ये सीन है भाई, अभी फिलहाल जान लग रहे हैं इंस्टाग्राम वाली रील पे जो छोरी फेमस है, सोनम 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 वरमाणी, तो बहुत ज़्यादा अच्छी फॉलोवर ले बैठी है छोरी। तो उसका इंटरव्यू करने चल रहा, तो फिलहाल गड्डी में हाँ भाई, मेट्रो स्टेशन से फिर अपना सोनू के घर जाएंगे, तो वहां से बातचीत करांगे। तो जुड़े रहिए। देखो दिल्ली पूरी तरह खुला हुआ है। तो गाइज जिसका अपना इंतजार था, मैंने बोला था भाई आज उस क्यूट सी प्यारी सी लड़की से मिलवाऊंगा, तो फाइनली सोनू वरमणि। तो वो लोग चैनल पर मैडम जी आपका स्वागत है। हेलो, कैसे हो? मैं बढ़िया, आप बताओ। बिल्कुल बढ़िया है। तो इंटरव्यू मैंने कर लिया है, डन हो गया है, तो आपने कैसा लगे मेरे सवाल जवाब? मुझे इनके पूछने का तरीका बहुत अच्छा लगा और इनके क्वेश्चंस भी बहुत इंटरेस्टिंग थे और अच्छे थे, और इससे आप सबको जानने का मौका भी मिला कि मेरे पास्ट में या फ्यूचर में या प्रेजेंट में क्या चल रहा है, क्या होगा, तो सब बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। और चरबर चरबर बहुत ज्यादा बोलने बोलने का तरीका नहीं, कह रहे टाली ही बाज है बाज की, और अच्छी तरह बोल रहे, एक भी शब्द नहीं रुकता लड़की का। और लड़की का वो लोग चैनल भी स्टार्ट कर दिया है, वहां पे आप देख सको हो इसका बोलने का तरीका। हाँ जी। तो मैडम जी एक बार बताना इनको क्यूटनेस का क्या राज है। फिल्टर नहीं, मतलब ऐसा क्यूटनेस का कोई राज नहीं है, बस प्यार है आप सबका, तो आप सबको अच्छा लगता हूँ। बिल्कुल। और जल्दी मिलेंगे हम, 1 मिलियन होते ही आपके। हाँ जी, और 1 मिलियन सुना है हमारे, तो जैसे ही 1 मिलियन हो जाएंगे तो हम आप सबसे जल्दी मिलेंगे, हम मीटअप भी रखेंगे और सेलिब्रेट भी करेंगे। देख 9 लाख में हम नहीं, हम 9 लाख में आते हैं या फिर दूसरे बड़े में आते हैं। हम स्पेशल आएंगे आपके वहाँ पे। हाँ जी, उस दिन कॉल मैसेज नहीं करेंगे। हाँ जी, घर का पता लग गया हमारे। बिल्कुल। देखा कि फैमिली का तरह यार बहुत अच्छा बिहेवियर है लड़की का भी माना जाओ, तो भाई पूरी रिस्पेक्ट है। तो दिल से थैंक्स आपका इतना कीमती समय दिया, तो थैंक यू दोस्तों। ये जुड़े रहिए वो लोग वहाँ आगे फिर है। ओके भाई, बाय, मिलते हैं फिर कभी है।